नमस्कार बच्चों, कक्षा 6 के बच्चे मेरे साथ पाठ 3 पढ़ रहे थे। मैंने बच्चों को, आप सभी को पाठ 3 पढ़ाया था। पाठ 3 जिसका नाम था शब्द विचार। बच्चों, आज हम इस पाठ की बुक एक्सरसाइज और प्रश्न उत्तर करेंगे, पर इसे करने से पहले मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिलाऊंगी कि इस कोरोना महामारी के चलते आप लोग अपने घरों में रहिए, घर में रहकर ही अपनी पढ़ाई कीजिए। अध्यापकों द्वारा बताया हुआ जो भी कार्य है उसको स्वच्छता के साथ करते रहिए। अपनी बुक, नोटबुक को कवर करके रखिए, नाम डाल के रखिए। और दूसरी बात, मैं आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है, कृपया जल्दी से जल्दी विद्यालय में अपने बच्चों की फ़ीस जमा करा दीजिए, क्योंकि आप सबका सहयोग हमारे लिए बहुत आवश्यक है। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 3, हिंदी व्याकरण शब्द विचार का अभ्यास कार्य। बच्चों, इसमें पहला प्रश्न है, उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। ये विकल्पीय प्रश्न है। इनमें सही प्रश्न के पीछे जो कॉलम बना हुआ है उसमें हमें सही का निशान लगाना है। तो पहला प्रश्न है, जिन शब्दों के खंड नहीं किए जा सकते उन्हें कौन से शब्द कहते हैं? जिनके खंड नहीं किए जा सकते, ऑप्शन है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़। तो सही उत्तर है इसका रूढ़ शब्द। रूढ़ के पीछे टिक कर देंगे। टिकट किस प्रकार का शब्द है? तद्भव, देशज, विदेशी। तो यहाँ विदेशी के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे, क्योंकि विदेशी सही उत्तर है। अगला है, प्रयोग के आधार पर कौन सा शब्द रूप नहीं है? विकारी, यौगिक या अविकारी। तो यहाँ शब्द रूप नहीं है, यौगिक। यौगिक शब्द के पीछे वाले कॉलम में टिक करेंगे। सूर्य कौन सा शब्द है? तत्सम, तद्भव या देशज। तो यहाँ तत्सम शब्द है सूर्य, तो तत्सम के पीछे वाले कॉलम में टिक कर देंगे। अब प्रश्न नंबर 2, उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो शब्दों को जो दिए गए हैं यहाँ बॉक्स में, इनमें से सही चुन करके खाली जगह में भरना है। पहला है इसमें क वाला, वर्णों के सार्थक समूह को कहते हैं शब्द। इसमें शब्द भरा जाएगा ख। यौगिक होकर भी विशेष अर्थ का प्रयोग, यौगिक होकर भी विशेष अर्थ में प्रयोग होने वाले शब्द कहलाते हैं योगरूढ़। तो इसमें भरा जाएगा योगरूढ़। ग, संस्कृत भाषा में परिवर्तन, संस्कृत भाषा से परिवर्तन के साथ होकर हिंदी भाषा में आए शब्द तद्भव कहलाते हैं। तो ग में भरा जाएगा तद्भव। घ, लीची शब्द है। लीची कौन सा शब्द है? चीनी, चीनी भाषा का शब्द है। तो इसमें चीनी भरा जाएगा। ण, वाक्य में प्रयोग के स्तर पर परिवर्तनशील शब्द, शब्द कहलाते हैं। कौन से? विकारी शब्द। तो इसमें विकारी भरा जाएगा। अब प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए तद्भव शब्दों के सामने उनके तत्सम रूप लिखिए। जो तद्भव शब्द हैं इनके सामने उनके तत्सम रूप लिखने हैं। जैसे खेत का होगा क्षेत्र, जुग का युग, घर का गृह, मोर का मयूर, गांव का ग्राम, पंछी का पक्षी, मुंह का मुख, दूध का दुग्ध। और ये बच्चों दोबारा से आ गया है, तो इसको ना लिखें, क्योंकि ये वही शब्द है। अब अगला है प्रश्न नंबर 4, इसमें आप लोगों को प्रश्न उत्तर करने हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें प्रश्न उत्तर में, शब्द किसे कहते हैं? सार्थक और निरर्थक शब्द में क्या अंतर है? तो यहाँ शब्द की परिभाषा पूछी गई है और सार्थक और निरर्थक शब्दों को पूछा गया है। तो बच्चों इस तरह से हम इसमें लिखेंगे। प्रश्न नंबर क का उत्तर, वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। वर्णों के सही मेल से सार्थक शब्द बनते हैं। प्रत्येक सार्थक शब्द का अर्थ होता है, निरर्थक शब्द का कोई अर्थ नहीं होता। अब अगला प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर ग है इसमें, रचना के आधार पर शब्द के भेद लिखिए। तो प्रश्न नंबर ग ख का उत्तर है, रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक तथा योगरूढ़। प्रश्न नंबर ग, प्रश्न नंबर का है, रूढ़ तथा योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? रूढ़ तथा योगरूढ़ शब्दों में क्या अंतर है? तो इसका लिखेंगे प्रश्न नंबर ग का उत्तर, जिन शब्दों के सार्थक खंड नहीं किए जा सकते और किसी एक वस्तु, स्थान, व्यक्ति, कार्य या गुण के लिए प्रचलित हो जाते हैं, वे शब्द
वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे घर, पुस्तक, तोता आदि, जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते और किसी एक चीज़ के लिए वो प्रचलित हो जाते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। अगला, जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनसे कोई विशेष अर्थ प्रकट होता है, योगरूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे पीत प्लस अंबर बराबर पीतांबर, पीले वस्त्र वाला, पीले वस्त्र वाला यह कृष्ण के लिए प्रयोग किया गया है, विशेष अर्थ दे रहा है कृष्ण के लिए। अगला प्रश्न नंबर घ, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्न नंबर घ का उत्तर, प्रयोग के आधार पर शब्द के दो शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी। अब प्रश्न नंबर ण, तत्सम और तद्भव शब्दों की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तत्सम और तद्भव शब्दों की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए, तो इसमें ण का उत्तर है, संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में आए हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे अग्नि, प्रकाश, सूर्य, वायु, आकाश, नमन, पुरस्कार, योग्य, शोभा आदि। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो कुछ रूप परिवर्तन के साथ हिंदी में प्रचलित हो गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग का अग्नि, सूरज सूर्य, खेत क्षेत्र, रात रात्रि, सांप सर्प आदि। अर्थात जो बदलकर आ जाते हैं, संस्कृत जैसे नहीं लगते, जो संस्कृत का रूप बदल लेते हैं वो तद्भव कहलाते हैं, और जो संस्कृत भाषा के जैसे के तैसे सब प्रयोग हो जाते हैं वो तत्सम कहलाते हैं। बच्चों अब इसमें एक रचनात्मक गतिविधि भी है, ये एक्टिविटी है आपकी, इसको भी आप कर लेंगे। नीचे दिए गई पुस्तक में से अंग्रेजी, फारसी, तुर्की और अरबी भाषा के शब्द श्याम पट पर लिखिए, अर्थात ये यहाँ बॉक्स बना दिया गया, इसी बॉक्स में आपको ये प्रश्न लिखने हैं, और ये मैंने यहाँ कर दिया, इसको अपनी बुक में ही फिल करना है, नोटबुक में इसको नहीं करना। शब्द इसमें दिए गए हैं, इसमें से छांट कर हमें करने हैं, पहले हैं अंग्रेजी शब्द, तो हम इसमें से अंग्रेजी शब्द छांटते हैं। अंग्रेजी शब्द इसमें हैं पेन, पेंसिल, बोतल और रेडियो, जो इसी में से छांट कर। फारसी, फारसी शब्द हैं इसमें चश्मा, दुकान, नमक और आदमी। तुर्की, इसमें तुर्की भाषा के शब्द हैं दरोगा, तोप, कैंची, चाकू। और अरबी, अरबी भाषा के इसमें शब्द हैं औरत, कत्ल, कलम और खत। ये सभी इसी भाषा, इसी बॉक्स में से लिए गए हैं, और ये आपकी एक्टिविटी है, इसको आप बुक में ही फिल करेंगे। बच्चों एक बार मैं फिर आप लोगों को कहूँगी कि घर पर रहिए, घर में रहकर ही अपना वर्क कीजिए, जो कार्य दिया जा रहा है समय से करते रहिए। और दूसरी बात आपके माता पिता से कहूँगी कि अपने बच्चों की फ़ीस जल्दी से जल्दी विद्यालय में जमा करवा दीजिए। धन्यवाद।